नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में प्रकाशित IMF की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मुश्किल परिस्थितियों में वर्ष 2027-28 तक भारत का डेट GDP रेशियो यानी GDP और कुल कर्ज का अनुपात बढ़कर 100% हो जाएगा, जिसका अर्थ यह है कि यदि अर्थव्यवस्था में मुश्किलें बढ़ती हैं तो भारत का कुल कर्ज GDP के बराबर हो जाएगा। इस रिपोर्ट पर भारत सरकार की तरफ से यह सफाई दी गई है कि IMF की रिपोर्ट में ही यह भी लिखा हुआ है कि अच्छी परिस्थितियों में भारत के डेट GDP रेशियो में सुधार भी हो सकता है, यानी कि GDP के अनुपात में कर्ज की स्थिति बेहतर हो सकती है। और साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि कुल लिए गए कर्जों में विदेशी कर्ज का जो प्रतिशत है वो काफी कम है, इसलिए भारत के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। तो आइए देखते हैं हाल के वर्षों में कर्ज के मुद्दे पर भारत का किस प्रकार का प्रदर्शन रहा है और UPA और NDA सरकार के बीच में एक तुलना भी करते हैं। यदि केंद्र और राज्यों का मिलाकर कुल ऋण की बात की जाए तो UPA सरकार के कार्यकाल के पूर्व 2003-04 में जहां भारत का डेट GDP रेशियो 83.23% था, वहीं कार्यकाल के अंत तक यह घटकर 67.06% हो गया, यानी कि डेट GDP रेशियो में 16.13% की कमी आई। और मोदी सरकार के कार्यकाल के अंत आते तक वर्ष 2022-23 में यह फिर बढ़कर 81% हो गया, यानी कि मोदी सरकार के कार्यकाल में डेट GDP रेशियो में 13.94% की वृद्धि हुई, यानी कि स्थिति पहले से काफी खराब हो गई। यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली यह कि मोदी सरकार के कार्यकाल में डेट GDP रेशियो में जो गिरावट आई वह कोविड के आने के पहले ही आ चुकी थी, इसके लिए कोविड को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और दूसरी ये कि UPA सरकार के कार्यकाल में डेट GDP रेशियो में सुधार के बावजूद भारत की विकास दर काफी तेज रही। और आइए अब सिर्फ केंद्र सरकार के प्रदर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ष 2003-04 में डेट GDP रेशियो 65.98% था, जो UPA कार्यकाल के अंत तक सुधर कर 52.16% हो गया। और इस काल में इसमें कुल 13.82% की कमी आई। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल के अंत आते आते वर्ष 2022-23 में यह अनुपात फिर बढ़कर 58.3% हो गया, यानी वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक कुल 6.14% की वृद्धि हुई। इससे यह साफ है कि भारत के बढ़ते कर्ज के लिए केंद्र सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी की राज्य सरकारें। और यदि हम विदेशी कर्ज की बात करें तो यह 2004 में GDP का 17.6% था और UPA सरकार में 2014 में बढ़कर 23.2% हो गया और मोदी सरकार के कार्यकाल के अंत आते तक वर्ष 2023 में 18.9% रहा। इसका अर्थ है कि कुल कर्ज के मुद्दे पर UPA सरकार का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, किंतु विदेशी कर्ज के मुद्दे पर मोदी सरकार का प्रदर्शन UPA से थोड़ा बेहतर रहा।